नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। गुमला जिले के आदिवासी बहुल बिशुनपुर प्रखंड में इन दिनों जमीन ऑनलाइन के नाम पर राजस्व कर्मचारियों के द्वारा लूट का खेल चल रहा है। ग्रामीण जमीन ऑनलाइन कराने के लिए रात दिन परेशान हैं और कर्मचारियों की गणेश परिक्रमा कर रहे हैं। अब ऐसा भी मान लीजिए कि बिशुनपुर में अगर जमीन ऑनलाइन करानी है तो 1 लाख की रिश्वत जुगाड़ करनी पड़ेगी। ताजा मामला बिशुनपुर प्रखंड के बनारी पंचायत से है, जहां बनारी पंचायत के गोराटोली गांव के रहने वाला गरीब परिवार शलिक महतो ने बनारी पंचायत के राजस्व कर्मचारी राकेश नायक पर 15,000 रिश्वत लेने का आरोप लगाया है। शलिक महतो ने बताया कि जमीन ऑनलाइन के नाम पर उससे कर्मचारी राकेश नायक ने 15,000 की रिश्वत मांगी। पैसा नहीं देने पर जमीन ऑनलाइन नहीं करने की बात कही। इस वजह से वह डर गया और घर का बैल बकरी बेचकर 15,000 की जुगाड़ कर कर्मचारी राकेश नायक को पैसे दे दिए। पैसा लेने के बाद भी उसका जमीन अभी तक ऑनलाइन नहीं किया गया और सलीक को दौड़ाया जा रहा है। कर्मचारी 15,000 रुपया ले है, कागज पत्र बनवाए देबू धरती कर देबू कह के। कौन कर्मचारी? राकेश कर्मचारी। जमीन के ऑनलाइन कर देबू कह के नहीं कर देते। वहीं राकेश नायक ने इस मामले को निराधार बताया है। यह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जहां सरकार आम गरीबों के सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जनता के कागजी दाव पेज में फंसा कर उनसे रिश्वत खोरी कर उनके जीवन को तबाह कर रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।